नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक तरफ जहां पीसीएस की मुख्य परीक्षा टलवाने के लिए कल आंदोलन हो रहा था, वहीं आज देखिए आयोग ने पीसीएस मेन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 4 दिनों में होगी परीक्षा, 17 से 21 जून तक आयोजित की जाएगी मुख्य परीक्षा। तो जहाँ कल कुछ लोगों को अपने प्रवेश पत्र लेकर आयोग ने बुलाया था बात करने के लिए, वहाँ पर देखिए आज इसका पूरा का पूरा डिटेल जारी कर दिया गया है। और ये परीक्षा पहली बार पैटर्न चेंज पर होने जा रही है, नए पैटर्न पे पहली बार ये परीक्षा होने जा रही है। मुख्य परीक्षा 4 दिन में पूरी कर ली जाएगी और जो परीक्षा है ये 2 पालियों में होगी, 9:30 से 12:30 और 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 2 ऐच्छिक विषय होते थे हर बार, इस बार पैटर्न चेंज है तो केवल 1 ऐच्छिक विषय होगा। और जो पैटर्न चेंज हुआ है तो इससे परीक्षा जो पहले जो है काफ़ी लंबी चलती थी, वो परीक्षा अब केवल 4 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। जहां पिछली बार मुख्य परीक्षा में 18 दिन लगे थे, इस बार केवल 4 दिन लग रहे हैं। और जो पहला पेपर सामान्य अध्ययन का था पिछली बार, तो इस बार पहला पेपर हिंदी एवं निबंध का है। इस बार 2 दिनों में सामान्य अध्ययन के 4 पेपरों की परीक्षा होगी और आखिरी दिन ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। फर्स्ट डे हिंदी और निबंध होगा, उसके बाद अगले 2 दिन में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे, फिर जो लास्ट डे होगा उस दिन ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्यक्रम पूरा दिया गया है, परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी और दूसरे सत्र में निबंध होगा 18 जून को, पहले सत्र में सामान्य अध्ययन, दूसरे सत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय, 19 को सामान्य अध्ययन तृतीय और सामान्य अध्ययन चतुर्थ, 21 जून को ऐच्छिक विषय का प्रथम प्रश्न पत्र, ऐच्छिक विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र, इतने ही प्रश्न पत्र होने हैं। और मुख्य परीक्षा में जो टोटल कैंडिडेट बैठ रहे हैं वो 19,096 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, 988 पद हैं और परीक्षा 17 जून से शुरू हो रही है। अब कितने नंबर की होगी ये परीक्षा ये भी देख लेते हैं। अनिवार्य विषय की परीक्षा 1100 अंकों की होगी, टोटल 1100 अंक होंगे और इसमें पीसीएस मेंस अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश जारी कर दिया गया है। प्री और मुख्य परीक्षा का एक ही रोल नंबर होगा, रोल नंबर कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा, सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा जो होगी वो 150 अंक की होगी। सामान्य अध्ययन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के जो पेपर होंगे 200 अंक के होंगे और इसी तरह से सामान्य हिंदी और निबंध प्रश्न पत्र 300 अंक के होंगे। नए पैटर्न के तहत कुछ 34 वैकल्पिक विषय होंगे, 34 वैकल्पिक विषय हैं, इनमें से कोई एक ऐच्छिक विषय आपको चुनना है और उसके लिए जो आपको 200 अंक निर्धारित किए गए जाएंगे उस विषय के लिए, तो सब मिला के 1100 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो दोस्तों समय बहुत कम बचा हुआ है, मैंने कल भी कहा था कि आंदोलन करने से इतना आसान नहीं है कि परीक्षा की डेट में कोई परिवर्तन हो जाए, आज भी कह रहा हूँ जिनको मेन परीक्षा देनी है वो लग जाए मेन परीक्षा पे, क्योंकि समय बहुत कम है और आयोग इतनी जल्दी कोई चेंज करने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।